आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ी सेंधमारी करके समाजवादी पार्टी ने आज अपने कार्यालय पर शक्ति प्रदर्शन किया। इस शक्ति प्रदर्शन में बीजेपी से अलग होकर आए कई सारे मौजूदा विधायक, पूर्व मंत्री और कुछ पूर्व विधायकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और ये कहा कि आने वाला 2022 का चुनाव और 10 मार्च यानी आने वाली 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, ऐसा इसे कहा क्यों गया और क्यों कहा गया? समाजवादी पार्टी में आज सदस्यता ग्रहण करने वालों में सबसे प्रमुख नाम पूर्व मंत्री, पूर्व बसपाई, पूर्व भाजपाई स्वामी प्रसाद मौर्य का था। स्वामी प्रसाद मौर्य जब मंच पर बोलने के लिए आए तो ऐसा लग रहा था कि बहुत पुरानी दुश्मनी उनकी बीजेपी से है और बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने सारी बातें कह डाली। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने कार्यकाल के दौरान सरकार की नीतियों से सहमत ना हुआ करता था, जिसके लिए मैंने कई बार शिकायतें भी की, मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत पहुंचाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सहमत हुए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने काम वही किया जो वो चाह रहे थे। मौजूदा सरकार, मौजूदा मुख्यमंत्री एक अलग माइंडसेट पे काम कर रहे थे। वो दलित, पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग, इनके लिए काम नहीं करना चाहते थे और मैं इनकी आवाज उठाते आ रहा था। जब मेरी आवाज नहीं सुनी गई तो परेशान होकर के मैंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बीजेपी को यह जान लेना, यह समझ लेना जरूरी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वो नाम है जो किसी भी राजनीतिक दल के साथ जब जुड़ जाता है तो उसकी जीत पक्की हो जाती है। चाहे बसपा की बात करी जाए, वो जब बसपा में थे तब लगातार मायावती मुख्यमंत्री बनी, वो बीजेपी जैसे ही आए तो बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी की तरफ उन्होंने रुख किया है। ऐसा उनका कहना है कि वो जहां भी जाते हैं सरकार उसी पार्टी की बनती है। आज उन्होंने ये सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि अब आने वाले दिनों में मैं ये संकल्प लेता हूं, हमारे साथ जितने भी लोग आज इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, पूर्व मंत्री, सब यहां से संकल्प लेते हैं कि आने वाली 10 मार्च को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर वापस भेजना है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि हम आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, हम बाबा साहब के संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और अब लोहिया के संकल्प भी हमारे अपने संकल्प हैं, हम इन दोनों महान व्यक्तित्वों के संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और जनता के बीच जाएंगे, मौजूदा सरकार की कमियां बताएंगे। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले स्वामी प्रसाद मौर्य इसी सरकार के गुणगान करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज अचानक से जब वो समाजवादी पार्टी के मंच पर पहुंचे, उन्होंने सदस्यता ली तो बीजेपी के लिए उन्होंने कई सारी बातें बोल डाली। उन्होंने ये भी बोला कि मौजूदा सरकार कभी भी दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए काम नहीं करेगी, ना करना जानती है। उन्होंने यहां तक बोला कि जब मैं बीजेपी ज्वाइन करने गया था तो मुझे भरोसा दिलाया गया था कि जो मुख्यमंत्री होगा वो ओबीसी वर्ग का होगा। पहले यह बताया गया कि केशव प्रसाद मौर्य होंगे और अगर केशव प्रसाद मौर्य नहीं हुए तो स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे, लेकिन वहां पर भी खेल कर दिया गया और गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को बुला करके मुख्यमंत्री को बना दिया गया। मैं शांत रहा, मैंने अपनी मांगों को लेकर के, अपने समाज को मांगों को लेकर के हमेशा आवाज उठाई, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। प्राइवेटाइजेशन के जरिए सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है। सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका विस्तार होए, सरकारी कंपनियों में भी प्राइवेटाइजेशन का विस्तार होए ताकि आरक्षण के मुद्दे पर कोई भी सवाल न खड़ा कर सके। इस तरह के कई सारे गंभीर आरोप जो हैं वो आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी कार्यालय से लगाए हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का
पालन ना करना होता या कोविड नहीं होता तो ये जो जनता इकट्ठा हुई है सपा कार्यालय पर, ये रमाबाई अंबेडकर मैदान में इकट्ठा होती और वहां पर 10 से 12 लाख लोगों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर के आज यहां पर अपनी ज्वाइनिंग करवाते। कई सारी बातें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही हैं और उसके बाद अखिलेश यादव ने भी कही हैं। ये कहा है कि बीजेपी जान गई है कि अब उसके दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि आखिर एकाएक इस तरह के बड़े नेता बीजेपी से अलग क्यों हो रहे हैं, बीजेपी के ऊपर कई सारे आरोप लगाते हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा है कि यह सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, कल परसों में कुछ और लोग भी पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ और पूर्व विधायक है, कुछ और मौजूदा विधायक है, कुछ और मंत्री हैं जो पार्टी छोड़ने वाले हैं क्योंकि उनकी आस्था अब बीजेपी से खत्म हो गई है। तो आखिर बीजेपी ने अपने 5 साल में वो कौन से बेहतर काम किए हैं जिससे उनके ही मंत्री खुश नहीं है, उनके ही मंत्री पार्टी लगातार छोड़ रहे हैं, उनके ही विधायक लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे की क्या रणनीति होगी भारतीय जनता पार्टी की, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी और उनका जो गठबंधन है वो अपने आप को कितना और मजबूत महसूस कर रहा है आज के इस शक्ति प्रदर्शन के बाद। कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। भाजपा को उखाड़ करके सीधे सीधे हिंद महासागर में ले जाकर के डुबोने का काम करेंगे, जैसा कि हमारे भाई डॉक्टर ध्रुव सिंह ने कहा, अगर कोरोना महामारी नहीं होता, निर्वाचन आयोग का आचार संहिता नहीं होता तो आज रमाबाई अंबेडकर मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा की चूले आज ही हिला दी गई होती। लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े नेताओं की नींद टूट गई, हराम है, चैन नहीं आ रहा है, टिकट बांटने का भी क्रम बंद कर दिया, कहीं ऐसा ना हो हम जिसको टिकट दे वो भी पार्टी छोड़ चला जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसा कि उन्होंने अपनी बात में कहा कि जिस तरह वो चल देते हैं सरकार उन्हीं की बन जाती है, और इस बार भी पहले की तरह अकेले नहीं चले हैं, बड़ी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर के आए हैं। और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए, क्योंकि जनता बैठी है बदलाव के लिए, बैठी है जनता बदलाव के लिए बैठी है, जनता परिवर्तन चाहती है। प्रसाद मौर्य और इसके अलावा करीब 20 से ज्यादा मौजूदा और पूर्व विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दारा सिंह चौहान की ज्वाइनिंग भी होनी है, बताया जा रहा है कि आने वाली 16 तारीख में दारा सिंह चौहान की ज्वाइनिंग जो है वो समाजवादी पार्टी में हो सकती है। इसके अलावा आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी भी आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, उनकी भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ज्वाइनिंग हुई। लेकिन इन सबके बीच में आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्माया रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य के पूरे बयान के दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि मौजूदा सरकार दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भी मैंने कई सारे सवाल पूछे लेकिन सरकार ने हमेशा कन्नी काटी, वो आरक्षण के खिलाफ क्यों है। तो ये सारे सवाल जो हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज खड़े किए हैं और आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि अब आज के इस शक्ति प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी अपने आप को कितना मजबूत महसूस कर रही है और इसके अलावा बीजेपी अपने आप को कितना ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि उनकी लंका में जैसे किसी ने कोई भेदी बाण डाल दिया हो, और उसके बाद अब क्या आगे की रणनीति बीजेपी की रहेगी ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से आपको रूबरू करवाता हूं। सबसे पहले रामनिवास यादव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, शिखर अग्रवाल हमारे साथ निषाद पार्टी से जुड़े हुए हैं, अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं,
जावेद अहमद साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और दयाराम भार्गव हमारे साथ सुभाषपा से जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रामनिवास जी आप ही के पास आना चाहूंगा, क्या कुछ समस्या आप महसूस हो रही है चुनाव से ठीक पहले? स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हो गए, धर्म सिंह सैनी अलग हो गए, दारा सिंह चौहान अलग हो गए, कई सारे विधायक अलग हो गए, ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी लोग अलग होने वाले हैं, देखते रहिए। और इन सब के बीच में आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने आप लोगों पर आरक्षण विरोधी होने का, दलित विरोधी होने का, ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा डाला है समाजवादी पार्टी कार्यालय में खड़े होकर के। ये कह दिया है कि मैं जिधर जाता हूं सरकार उधर ही की बनती है और बीजेपी जान रही है कि उनके दिन पूरे हो गए, वो बनवास के लिए तैयार रहे। नितिन जी, जिस तरह से उनकी आवाज आज हम लोग देख रहे थे समाजवादी पार्टी कार्यालय पे बोल रहे थे, कहीं न कहीं उनको पीड़ा दिख रही थी, गुस्सा भी दिख रहा था। अच्छा, क्योंकि जिस तरह जैसे उन्होंने कहा कि हम जहाँ जाते हैं वहीं सरकार बनती है, 2012 में ये बहुजन समाज पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी सरकार बनी, और 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, तो ये कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक ये लोग बिना सत्ता के नहीं रह सकते। और एक पिता हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी रहे हैं, 5-6 साल हमारे साथ 5 साल काम किए हमारी पार्टी में, सरकार हमारी पार्टी ने इनको मंत्री बनाया, इनके बेटे को टिकट दिया, अब दुर्भाग्य से बेटे इनके हार गए, फिर इनकी बेटी को सांसद बनाया, आज इनकी बेटी हमारे साथ हैं। तो आज जिस दबाव और जिस जो पीड़ा इनको है कि बेटे और दामाद को टिकट, तो भारतीय जनता पार्टी में शायद ये संभव नहीं है कि एक ही परिवार के बेटे बेटी दामाद पिता सबको टिकट दे दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी अपने कार्यकर्ता हैं, उनका अपना और भी वर्ग है। और खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, नितिन जी सोच रहे हैं कि नहीं, नितिन जी हाँ। अब 5 साल तक सत्ता में रहे हाँ। अब बेटे दामाद को टिकट कर पार्टी नहीं दे रही है, कोई पार्टी की अपनी मजबूरी है कि और भी कार्यकर्ता हमारे हैं, इनकी बेटी हमारे साथ है, उनको सांसद बनाया, हमारे साथ है। और आज बेटे और दामाद के दबाव में जिस तरह इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और टिकट का वहां आश्वासन हुआ कि टिकट इनको मिलेगा, और हमारी शुभकामनाएं इनको टिकट मिले, क्योंकि जनता तभी देखती है कौन किसके बाद कितना है। ठीक है, एक सवाल था मेरा। नहीं नितिन जी, जैसे अभी नहीं, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हमारे सारे साथी छोड़ रहे हैं, बिल्कुल बात सही है कि इनके साथी साथ छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि जिनका चुनावी वर्ष है, जिनके टिकट में संशय है, जिनको टिकट नहीं हमारी पार्टी दे रही है, तो ऐसे लोग कहीं न कहीं दूसरे दल में संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन एक बात जो उन्होंने सच्चाई स्वीकार की कि सारे लोग इनके साथ गए, लेकिन आपने देखा होगा कि एक भी महिला कार्यकर्ता स्वयं इनकी बेटी तक हमारी पार्टी को नहीं छोड़ी, क्योंकि इनको पता है कि जिस पार्टी में गए हैं वहां बहन बेटियों की इज्जत नहीं है। अच्छा। उनको पता है कि बहन बेटी अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसीलिए वो गए हैं बेटे दामाद के दबाव में, और सवाल, उनको टिकट दिलाना है निश्चित रूप से। जो है सवाल एक था, स्वामी प्रसाद समाज सपा में गए हैं तो सपा के पक्ष में बोलेंगे। सुन तो लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि अगर जो लोग सोच रहे हैं कि बेटे के लिए मैंने पार्टी छोड़ दी है तो वो बिल्कुल बद दिमाग है, वो एकदम गलत उनकी मानसिकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, उन्होंने जो आरोप लगाया कि आप लोग जो दलित है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उनके खिलाफ राजनीति करते हैं। नितिन जी, मैं इस पर भी जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा दलित समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी में, पिछड़े समाज के सबसे ज्यादा नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, और हमारे स्वयं प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं। मैं भी इस पार्टी में 30 साल से काम कर रहा हूं, अगर एक बार मैं कहता कि मुझे तकलीफ, मेरी संख्या कम है, लेकिन मुझे अब तक कभी नहीं लगा, क्योंकि जिस दल में मैं हूँ एक परिवार की तरह मुझे सम्मान मिला। और जब मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को लखनऊ का 3 बार जिलाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, प्रदेश प्रवक्ता, इतनी सारी जिम्मेदारी पार्टी ने दिया है, तो कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल गलत है कि यहाँ दलित नहीं है, पिछड़े नहीं है। सबसे ज्यादा आज डेट में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में है। अब उनके बेटे और दामाद की पीड़ा है हम सब समझ सकते हैं, और कहीं न कहीं हर पिता को करना भी चाहिए जो उन्होंने किया है कि भाई बेटे दामाद को टिकट मिलना चाहिए। और मेरा आपके मंच के माध्यम से आग्रह है अखिलेश जी से कि इनके बेटे दामाद को भी टिकट दे दीजिए, जिससे इनको भी चले पता हमारे समाज में क्या उपलब्ध है। हम जावेद भाई को इस बात से पूछते हैं। जावेद भाई, रामनिवास जी कह रहे हैं कि अपने बेटे और दामाद के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ के चले गए हैं, और ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देगी, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये बीजेपी की बौखलाहट है या सच्चाई कुछ इसी तरह की है जो रामनिवास यादव जी बता रहे हैं?
नितिन जी, ये तो अब करें तो क्या करें, कोई जवाब सूझ नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी, कोई मुद्दा इनके पास बचा नहीं है। ये इसी तरीके से अब बयान आएंगे, योगी जी भी इसी तरीके से आए बाएं फाये बोले जा रहे हैं। इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो किसी मोहल्ले के साधारण से व्यक्ति है या एक संत से वह मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर आसीन रहे हैं। यह सब चीजें उस समय नहीं समझ में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तीन तीन चार चार पीढ़ियों का इनका जो रिश्ता है वो परिवारवाद नहीं है। अरे जो लोग संघर्ष करेंगे, जो लोग दबे कुचले शोषित वंश के हैं, वह लोग निश्चित रूप से राजनीति में आना चाहेंगे और आना भी चाहिए। ये देश सबका है, जो मतदाता है उसको राजनीति में आना चाहिए। लेकिन दूसरे पर प्रहार किया जाए और अपने बारे में कोई बात ही ना की जा रही, पूछिए शाहनवाज हुसैन किस पीढ़ी के दामाद है और कितने दिन से जनसंघ से आज तक वह केंद्र से लेके बिहार सरकार तक में मंत्री है। मुख्तार अब्बास नकवी को देख लीजिए, कहां से कहां पहुंचे हैं। आप स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को देखिए, गवर्नर थे, उनके बेटे सांसद थे, उनके पोते पौत्र राज्य सरकार में मंत्री थे। राजनाथ सिंह जी को देखिए, पंकज सिंह जी को देखिए, धर्मेंद्र प्रधान हो या पीयूष गोयल हो, ये सब किस पीढ़ी के कौन से लोग हैं? ये क्या हम लोगों को अनाड़ी समझते हैं या हम लोग कुछ जानते नहीं? उत्तर प्रदेश की स्थितियां इन मुद्दों पर नहीं है। इस तरीके से सामाजिक न्याय के साथ छेड़छाड़ हुई है, किस तरीके से, कहां से नरेंद्र मोदी पिछड़े हो गए? जो जिसने अपने जीवन में कभी सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष नहीं किया, जिस व्यक्ति ने कभी बाबा साहब अंबेडकर को अपना नेता नहीं माना, जो गोडसे का पुजारी हो, जो सावरकर का पुजारी हो, जो संघ की पृष्ठभूमि से आता हो, वह कैसे सामाजिक न्याय का पुरोधा हो सकता है? बताएं हमें, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो रही थी, जब विरोध में आंदोलन था, तो उस समय नरेंद्र मोदी कितने आंदोलन में कूदे थे? वो तो इतना झूठ बोलते हैं, बता देते हैं कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के आंदोलन में मैंने बड़ा संघर्ष किया। तो ऐसे कुपड़ों की जमात जो है, उस जमात में ने अभी तक जो है सिर्फ झूठ बोला है। अच्छा, और कितने नेता और कितने बीजेपी वाले आने वाले हैं आने वाले दिनों में? ये देखिए तो नितिन जी, आपको मालूम है कि ये सरकार किस तरीके से चली है। यही योगी जी के नेतृत्व की निर्कुंच निर्मम सरकार थी कि इसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक 200 विधायक सदन के अंदर धरने पे बैठ गए थे। तो ये हम पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? जो आपने राजभर जी से वादा किया सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का, जाति जनगणना से आप क्यों बचना चाहते हो? आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी से जो वादा किया, जो आप वादा करते रहे, और ये तो छल बल के साथी है, इनसे जिन जिन लोगों ने साथ किया उसको इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। ठीक है, डिप्टी सीएम केशव देव मौर्य जी को स्थूल मंत्री बना दिया। और बात करेंगे पिछड़े वर्ग की, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से कि लिटरल इंट्री के नाम पे केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर कितने दलित पिछड़े की नियुक्ति की है? आपने 16,000 से अधिक सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों का हक मार लिया, अनुसूचित जनजात के 950 लोगों का हक मार लिया, जो अनुसूचित जात में समाहित हो जाना चाहिए था। क्या बात करते हो, अपने घर से खिचड़ी बनवा के ले जाओ और किसी दलित के घर में, आप दलित की बात कर रहे हैं आज ये मकर संक्रांति के दिन योगी जी? अरे जब वो दलित की बेटी हाथरस में रात में 2 बजे सम्मानजनक धार्मिक आधार पर, जिसका संस्कार आपने नहीं होने दिया, आपने स्वयं आगे आकर और अपने एडीजी एलओ को आगे करके जिस तरीके से जो है निर्ममता का शिकार हुई वो बेटी के को कलंकित करने का आप लोगों ने काम किया, उसके ऊपर घिनौने आरोप लगाने का काम किया, तब आपको नहीं समझ में आया? आज वोट के लालच में, अरे जनता ने वो तो 5,000 पन्नों की 4 सीट है लखीमपुर की, जनता ने तो योगी जी के खिलाफ लाखों करोड़ों पन्नों की 4 सीट तैयार कर रखी है। ठीक है जावेद भाई, ठीक है, चुका मैं है आता हूँ फिर। कि अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और 10 मार्च को खुशहाली न्याय सम्मान का नया सूर्योदय होने जा रहा है। ठीक है जावेद भाई, मैं आता हूँ। हमारे साथ निषाद पार्टी से शिखर अग्रवाल जुड़े हुए हैं।
शिखर, आज स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके जो बागी विधायक थे उनके साथ बीजेपी वाले, वो सब जाकर के समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो गए, और लेकिन इस दौरान उन्होंने ओबीसी, दलित और शोषित वर्ग के जो विरोधी होने का आरोप लगाया है मौजूदा सरकार पर, आप इस बयान से कितना सहमत है? और ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे नेता जो हैं वो बीजेपी छोड़ छोड़ के सपा में ही आने वाले हैं, तो क्या आपके खेमे में भी कुछ ऐसे नेता हैं? ये बिल्कुल निराधार आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने लगाया है। वो करीब 15-20 मिनट उन्होंने आज बात की है और 15-20 मिनट में यही बात ही बोली है। पहली बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब मंत्री नहीं रहे, जब आचार संहिता लग जाती है तो कोई मंत्री और विधायक नहीं रहता। हाँ। तो जो शक्ति प्रदर्शन उन्हें जनता के बीच में करना था या जनता से बातें करनी थी वो ना करके वो समाजवादी पार्टी के खेमे में अपनी बातें कर रहे हैं, ये उनकी इस छवि को दर्शाता है कि जब 5 साल उन्हें मिला वक्त, तो उस 5 साल में दलितों, पिछड़े, आदिवासियों के लिए कोई कार्य ना करके और मंत्रालय में अपने मन मर्जी का कार्य करते रहे। अब देखा कि जनता उनका रिपोर्ट कार्ड बदल देगी तो अखिलेश यादव जी की नाव में सवार हो गए। ये डूबती हुई नाव है अखिलेश यादव जी की, 2022 में समाजवादी सरकार नहीं बना पाएगी। जनता ने तो समाजवादी पार्टी को नकारा ही इस वजह से है, उनकी माफिया राज को देखते हुए, उनकी गुंडागर्दी को, भ्रष्टाचार को देखते हुए, परिवार वंशवाद को देखते हुए निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 2050 पचकानी हरकतों की वजह से समाजवादी पार्टी सत्ता में कभी नहीं आ पाएगी। आप भी पचकानी हरकतें करते हैं, आपके नेता भी इतने ही बदतमीज है जितने आप बदतमीज है। ये कोई डेकोरम नहीं है आपका, आपको टर्न मिला था उसमें बोलिए आप जैसे लोगों की हरकतों की वजह से पार्टी सरकार में नहीं आ पाएगी। आप अपने पार्टी का एजेंडे को जनता के बीच में लाइए। ये काट झाट की, तोड़ फोड़ की, उल्टी सीधी राजनीति करके उत्तर प्रदेश की जनता, जो चार्जशीट की आप बात कर रहे थे, लाखों पन्नों की चार्जशीट बना रखी है, वो तो चार्जशीट आपके खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता ने बना रखी है। आपके नेता बयान देते हैं, बलात्कार हो जाता है, गलतियां हो जाती है। आज माँ बहन बेटियां सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। एनडीए गठबंधन, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 350 से ज्यादा सीटें जीत कर उन्हें सरकार बना रही है। जावेद भाई प्लीज, जावेद भाई मैं आऊंगा, वन बाय वन बोलिए, वन बाय वन। इनकी बौखलाहट है, इनकी बौखलाहट, जावेद भाई प्लीज छटपटाहट है, छटपटाहट है इनकी। जावेद मैं आऊंगा आपके पास, जावेद भाई ये इनकी छटपटाहट है क्योंकि ये सरकार तो बना नहीं पा रहे। तेज आवाज करके या बीच में ज्यादा बोल के जावेद जी आप सरकार नहीं बना पाएंगे। आपसे तो मैं कहता हूँ जनता के बीच में जाइए, नीतियों का प्रचार। जनता जूते लिए खड़ी हुई है समाजवादी नेताओं के लिए। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं भाई आप? जनता जूते लिए खड़ी हुई है समाजवादी नेताओं के लिए, जो बयान देते हैं बलात्कार हो जाते हैं। माँ बहने चूड़ियां पहनाएंगी, माँ बहने चूड़ियां पहनाने के लिए बैठी हुई है आप लोगों को, आप लोगों को जूते पहनाने के नेता पिता पुत्र पर जो है लाठियां चला रही, फिर बीच में भाई यार कर रही थी, पायों पे पड़े जाके कि योगी जी हमको माफ कर दो। ये जावेद भाई प्लीज मैं आऊंगा आपके पास। आपकी इन हरकतों की वजह से पार्टी और ज्यादा डूबेगी, पहले ही डूबी पड़ी है और ज्यादा डूब जाएगी। अपने नेता का सम्मान रखें, अपनी पार्टी का सम्मान रखें और इस डिबेट का डेकोरम भी मेंटेन करें आप। हम निषाद पार्टी वाले हैं, जिसकी नाव निषाद चलाता है वो नदी पार करता है, हम तो डूबती हुई नावों को बचा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जैसे प्रभु श्री राम और भगवान निषादराज गले मिले थे, इस धरती पे शांति आई थी। इस धरती पे शांति लाने के लिए भगवान राम का और निषादराज का मिलन कराना है। ठीक है प्लीज, प्लीज हो गया, हो गया। भगवान राम और निषादराज के मिलन से सरकार बन रही है। ठीक है प्लीज प्लीज प्लीज, हो गया हो गया हो गया, शेखर हो गया, जावेद भाई मैं आऊंगा, जावेद भाई हो गया प्लीज। ठीक है जावेद भाई, मंत्री और विधायकों से पूछ लो किस तरीके से बोलते हैं। ठीक है जावेद भाई मैं आता हूँ, मैं आता हूँ आपके पास। दयाराम भार्गव हमारे साथ सुभाषपा से जुड़े हुए हैं। दयाराम जी, ये संजय निषाद जी की पार्टी से शिखर अग्रवाल बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि कोई ओबीसी, किसी दलित, किसी का भी शोषण उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया, सबके हक का काम किया है, आप इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं। हाँ। सभी पैनलिस्टों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ध्यान से सुने। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, 19 अप्रैल 2019 को जब हमने भारतीय जनता पार्टी से छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया,
तो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार एक महीना देखी, जब 19 मई 2019 को रिजल्ट आता है तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा स्वीकार करते, राज्यपाल करते, जबकि आदरणीय नेताओं प्रकाश राजभर जी ने पहले ही अपना सामान सब कुछ हटा दिया था। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जानकारी और सबसे ज्यादा अगर किसी को ताकत मिली है भारतीय जनता पार्टी में जाकर के बाहर आने में, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर को, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब हम 8 जुलाई 2016 को जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में अमित शाह जी मोदी जी के सहयोग साझा कर रैली, क्या नाम, मंच साझा किया जाता है, तो उसमें कुछ जो है वादे किया था भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, चाहे वो मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, सुनील बंसल हो, या उस समय के प्रदेश अध्यक्ष जो रहे हो, सबने ये कहा था कि राजभर जी हमारी सरकार बनवाइए, पिछड़ी जातियों को, जो पिछड़ी यानी समाजवादी सरकार में जो क्या नाम है पिछड़ी जात के ओबीसी के लोगों को नहीं मिला नेतृत्व, उनका हक अधिकारिता नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दो, हम सारा हक आपको देंगे। लेकिन नतीजा क्या निकला आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि राजभर जी हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। देखिए कहां मुद्दा फटकता है, कहां मुद्दा अटकता है, ये भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आज 2 साल 11 महीने से डस्टबिन में पड़ा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको लागू नहीं करती। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए अगर, तो उसमें कितने लोगों का भला है। उसमें आप देखिए जिन जिन जातियों के बेटी बेटा थाने में, चौकी में, और डीएम एसडीएम चपरासी तहसीलदार नहीं बने, उन जातियों के बेटी बेटा को कम से कम नौकरी आरक्षण मिल जाता है, जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 16 के 16 परीक्षाएं कराए, जो 16 का 16 लीक हो जाता है। आप देखिए उत्तर प्रदेश की जो है योगी सरकार पहले अपना लीकेज ही बंद कर पाती तो वो क्या रोजगार देगी। पिछली सरकार का 1,37,000 जो क्या नाम है शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती घोटाला था, उसको कोर्ट में जाकर के जब कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं इन बच्चों को आप दोबारा लाइए, योगी सरकार ने कहा हम एक साथ नहीं दे सकते। इन्होंने कहा ठीक है टुकड़ों में करिए, इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में किया घोटाला, उसके बाद फिर 68,500 किया, उसके बाद जो है फिर 74,234 का किया, सब में पिछड़ी जात की एससी एसटी का योगी सरकार ने लूटा हक, इसमें सर्वविदित है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग में जब गया ये मामला, तब वहां जाके ये क्लियर होता है कि वाकई में योगी सरकार ने पिछड़ों का हक लूटा। अब पिछड़ों के साथ नाइंसाफी कैसे होती उसको सुनिए, बाटा में कृषि प्रोफेसर की भर्ती होती है उसमें होता 13-11 एक ही बिरादरी के राजपूत बिरादरी को नौकरी दे दिया जाता है, वहां पे एससी एसटी के लोग कहां चले जाते हैं, ये सवाल है। दूसरी बात दरोगा भर्ती में ले लो, आपका टीईटी जो परीक्षा रद्द होता है, आप इसको देखिए पिछड़े जात के लोगों के साथ कैसे इन लोगों ने किया। ओम प्रकाश राजभर जब 2019 में हम सरकार से अलग हो जाते हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को और पिछड़े और दलित के साथ में जो भेदभाव उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया उसको हमने उजागर करने का काम किया। ठीक है, ये बताइए दयाराम जी, ये बताइए और कितने बीजेपी के नेता मंत्री आप लोग के टच में है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर से आपके नेता से मेरी बात हुई थी 2 दिन पहले, तो वो कह रहे थे हर दिन कोई ना कोई आने वाला है, तो क्या कल भी कोई आने वाला है? बिल्कुल आने वाला है। ये नेता ओम प्रकाश राजभर जी जब कहते थे कि उत्तर प्रदेश में 150 विधायक नाराज हैं, और आपने देखा होगा गाजियाबाद लोनी के जो क्या नाम नंदकिशोर गुर्जर हैं, जिनकी आवाज लखनऊ के सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं उठाने दिया, उनको बैठाने का काम किया, यही आदरणीय नेताजी हैं, उनकी आवाज बने, सदन में उन्होंने धरना दिया, भारतीय जनता पार्टी के 200 विधायक बेल में आप बैठने का काम किया, तो योगी सरकार से क्या वो कौन लोग थे, वो पिछड़े दलित के विधायक थे जो सरकार ठीक है, मैं आऊंगा फिर आपके पास। उनको पता था कि पिछड़ी जात का हक और अधिकार लूटा जा रहा है, लेकिन ये निर्दयी सरकार, ये कूर सरकार पिछड़े जात के लोगों को केवल सताने का काम करती है। आप देखिए अभी इस बात और लेके जाइए, आदरणीय नेताओं प्रकाश राजभर जी ने कहा है जल्दी पूरी कीजिए, जल्दी से मंत्री, और आपको 20 जनवरी तक जल्दी देखिएगा उत्तर प्रदेश में विधायक जो है खाली हो जाएंगे। ठीक है, मैं आता हूँ अभी। मन्नू त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस से,
अभिमन्यु भाई ये बताइए, आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि मौजूदा सरकार ओबीसी दलित इन सब का शोषण करती आई, इस वजह से मैं अलग हो गया हूँ, तो क्या इस मुद्दे को लेकर आप भी जनता के बीच जाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार कहती आ रही है कि यह सरकार पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, किसान विरोधी है, गरीब वंचित विरोधी है, वो लगातार कहती आ रही है। लेकिन 5 साल ये लोग रेवड़ियां खाते रहे, बांटते रहे, मलाई खाते रहे, बांटते रहे। जो ये लोग आज बात कह रहे हैं, वो लगातार कांग्रेस उन बातों को उठा रही थी और आंदोलन कर रही थी, यानी कांग्रेस पार्टी सही थी इन मुद्दों पर। आज देखिए 40% जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट जारी करे हैं महिलाओं के, उनमें सोनभद्र की वो महिलाएं जिनके खिलाफ अन्याय हुआ, वो आदिवासी महिलाएं हैं। इसी तरह उन्नाव की वो महिला जिसका बलात्कार किया एक विधायक ने, उसकी माँ है जो आवाज उन्होंने बुलंद करके उठाई। उसी तरह निषादों की, जब बालू जो नदियों से निकाला जा रहा था उनकी पिटाई हुई, उनकी नावें जला दी गई, तो अल्पना निषाद ने उठकर आवाज उठाई, उसको टिकट दिया। इस तरह से बहुत महिला, लखीमपुर खीरी का कांड हुआ और हाथरस कांड हुआ, हर जगह जहां जहां महिलाओं ने आंदोलन किया, सदव जाफर ने करा सीए एनआरसी पर, पुलिस ने पीटा, जेल में भेजा। इसी तरह रितु सिंह जो लखीमपुर खीरी से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने जा रही थी, उनके ऊपर पुलिस ने किस तरह से अन्याय किया, अत्याचार किया, उसे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। ये मैं ये कह रहा था अभिमन्यु जी, मैं ये कह रहा था शिखर अग्रवाल बैठे हुए निषाद पार्टी से, भी मैंने इनसे पूछा इस मुद्दे पर सवाल, तो इन्होंने कहा कि कोई भी शोषण नहीं हो रहा है, मौजूदा सरकार ने बेहतर काम किया है, लेकिन जिनको अपना फायदा देखना है वही लोग पार्टियां छोड़ छोड़ के इधर उधर भाग रहे हैं, वही मुद्दे बना रहे हैं इस तरह के। देखिए, सब देखने का नजरिया है। एक नजरिया ये है कि जो आजादी के आंदोलन से के दौरान जो अंग्रेजों की तरफ खड़े थे, अंग्रेजों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, तब भी वो जनता की तरफ नहीं थे। आज वो सब पूंजीपति वर्ग की तरफ खड़े हुए हैं, आज भी वो जनता की तरफ नहीं है। तो ये हमें तय करना है कि हम किस तरफ खड़े हैं। ठीक है, तो हमारी लड़ाई जो आम मजलूमों की लड़ाई है, हम उस तरफ खड़े हुए हैं, और अग्रवाल जी साहब जिस तरफ खड़े हो ये उन्हें मुबारक हो, पर कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता की तरफ खड़ी रही है, चाहे वो आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी रही हो, चाहे सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ खड़ी रही हो, ठीक है, किसानों को कुचलने का काम करती है। ठीक है त्यागी साहब, मैं आता हूँ। रामनिवास यादव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाँ बताइए सर। नहीं, अभी ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि पिछली सरकार में 1,37,000 शिक्षकों घोटाला हुआ। पिछली सरकार कौन थी? जिस समाजवादी पार्टी के तारीफे कर रहे हैं, जिनके गले में हाथ डाल के चल रहे हैं, उसी सरकार का घोटाला है। कम से कम आपके मंच के माध्यम से उन्होंने स्वीकार किया। और यहाँ भी वही समस्या है कि बाप बेटे की समस्या है, भाई बेटा बाप पर भारी है, और वो जो स्वामी जी के साथ है वही इनके साथ है, इसलिए ये लोग अपने परिवार को बचाने के लिए और अपने बेटों को आगे बढ़ाने के लिए, से इनके वहाँ भी बेटा दामाद, वैसे स्वामी जी के यहाँ बेटा दामाद, तो निश्चित रूप से बेटा दामाद के चक्कर में ये लोग उत्तर प्रदेश के पिछड़ों, दलितों, सबको बरगलाने काम कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का दलित पिछड़ा सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जितनी भी योजनाएं, उत्तर प्रदेश में लागू हुई है, चाहे किसानों को किसान सम्मान निधि देनी हो, 2,55,00,000 किसानों को दिया गया, 1,00,00,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में गरीबों को आवास दिए गए, ये सब हंस क्यों रहे हैं? ये पिछड़े दलित है इसमें। भी हंस रहे हैं, जावेद भाई भी हंस रहे हैं। नहीं, ये हंस इसलिए रहे हैं कि इन्हें दिखेगा नहीं, इनको पता है कितने आवास, इतना मुआवजा सरकार ने दे दिया है कि कभी भी इनकी सरकार नहीं आ सकती है। आपको दाम पता है, आप किसानों की मांग करने लगे हैं। नहीं जावेद जी, आपकी बौखलाहट समझ रहे हैं, 5 साल आप सत्ता से दूर रहे, आपको लगता है कि आगे भी नहीं आएंगे, इसलिए जनता को बरगला के आप सत्ता में आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश जनता आपकी सरकार की गुंडागर्दी, आपकी सरकार का भ्रष्टाचार, और जो पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार के आप कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की थी, उसको उत्तर प्रदेश जनता भूल नहीं सकती है। यही कारण है कि योगी जी दोबारा फिर आएंगे और गुंडे माफिया जो सर उठाने का प्रयास कर रहे हैं वो कभी नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, प्लीज 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 त्यागी जी, मैं आऊंगा आपके पास, अभी मैं आऊंगा आपके पास। योगी जी का आईपीएस इंद्रकांत शुक्ला जी की हत्या करके फरार है, जिस हिंदू की बात करते हो उस हिंदू नेता कमलेश। अरे जावेद जी, स्वामी जी से कहिए, अगर आप पर इतना विश्वास हो तो अपनी बेटी को बुला के देखें, उनकी बेटी झिड़क दे रही है, कह रही है कि मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा
क्योंकि उस पार्टी में गुंडे और बदमाश हैं। जावेद जी आपसे कहना चाहता हूं, स्वामी जी से कहिए कि अपनी बेटी से बात करके देखें। वो कहती है कि मेरे पिताजी उस पार्टी में गए हैं जिस पार्टी में गुंडे और बदमाश रहते हैं, तो आप कैसी बात करते हैं? प्यारे को आपका भाजपा विधायक लखनऊ ले आवे, आपको समर्पण करा दे, ये जो सब जो है किया है भाजपा। ठीक है जावेद भाई, हो गया। शिखर अग्रवाल कुछ कह रहे थे, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हम चलते हैं दयाराम भार्गव के पास। कांग्रेस पार्टी के मेरे साथी बता रहे हैं अभिमन्यु जी। मैं आ रहा हूँ दयाराम भाई, आ रहा हूँ आपके पास। शिखर अग्रवाल की सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथी बता रहे थे, निषादों को टिकट दिया कांग्रेस ने, कश्यपों को टिकट दिया, 70 साल सत्ता में रही कांग्रेस, आज तक बालू मोरंग खनन के लिए निषादों को कोई ठेका पट्टा नहीं दिया, तालघाट नदी का कोई अधिकार नहीं दिया, आज तक इन्हें निषादों को कमजोर करने का टाइम। दो तरीके के लोग हैं, एक तो भरे पेट वाले लोग हैं, एक खाली पेट वाले लोग हैं, और क्रांति हमेशा उन लोगों ने करी है जो किसान का मजदूर का बच्चा है। कांग्रेस हमेशा भरा रहा, कांग्रेस ने तो किसानों का गरीबों का पेट काट काट के लूट लूट के अपने घर को मालदार करा। काम करा रॉबर्ट वाड्रा कितने बड़े किसान है ये पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश जानता है। 5,000 बीघे जमीन उनके पास है रॉबर्ट वाड्रा जी के पास, क्योंकि वो प्रियंका गांधी के हस्बैंड है, इस वजह से वो बहुत बड़े किसान है। आपकी नजरों में किसान का डेकोरम, आपकी नजरों में किसान का पैमाना रॉबर्ट वाड्रा जी है। जनता ने देखा है कि एक आदमी के नाम पे 6,000 बीघे जमीन, एक आदमी के नाम पे करोड़ों रुपए अरबों रुपए इंडस्ट्री, उसका इनकम टैक्स माफ करते हैं आप। आपने जितना देश को लूट रहा था, देश ने लूट लिया है, देश की जनता ने आपको बाहर कर दिया है। अब आप सत्ता प्राप्त कभी ना कर पाएंगे, आप कभी भी सत्ता के करीब ना पहुंच पाएंगे। जनता ने आपको नकार दिया है, आपकी पार्टी को नकार दिया है, आपके पास प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई चेहरा नहीं बचा है। आप कहिए कि हम राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाएंगे, जनता आती है अपने नेता के ऊपर, आप ऐसे नेता के ऊपर भरोसा कर रहे हैं जिसमें जनता कभी सरकार न करेगी। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, अपनी जमीन तलाश रही है। उत्तर प्रदेश में जितनी चीजें पिछली बार आई, इस बार वो भी ना बने की है। ठीक है प्लीज हो गया आप लोगों का हो गया। त्ययागी जी हो गया क्या काम किया? ठीक है त्यागी जी हो गया मैं आता हूँ आपके पास अभी। ठीक है अभिमन्यु भाई, मैं अभी आपके पास आता हूँ। दयाराम भार्गव जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर जावेद भाई के पास चलेंगे। अब देखिए सारा समय आप इन लोगों को दिया, मुझे जल्दी की बात नहीं पूरा करिए। आपके पास पूरा समय है, समय दीजिए भाई, पूरा समय है आपको, भी समय दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं दोनों शब्द देता हूँ। हमारे रामविलास यादव जी ने एक शब्द कहा, हमने नौकरियों का अंबार लगा दिया और पिछले सपा सरकार में गुंडों की सरकार है। नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आपने कहा था कि जो पिछली सरकार में घोटाला हुआ, तो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी थी जिसके साथ आप चल रहे हैं, उसमें घोटाला हुआ, हमारी सरकार ने नई भर्तियां करके सबका समायोजन किया है, कोई घोटाला नहीं किया। आपकी सरकार पिछली जिसके साथ आप शामिल हैं, उन्होंने घोटाला किया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। रामविलास भाई बोलने दीजिए नहीं, बोलने सही बात बोलिए, पिछली सरकार घोटाला है। अरे भाई सुनो हमारी बात, 34 लाख सरकारी पद जो है 2017 से पिछली सरकार का खाली है, और ऐसे निर्दयी सरकार उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी होगी सरकार, उसको तो भर्ती कर नहीं पाई। आप रोजगार किसको दे दिया? अरे आप क्या पीड़ा समझ रहे हैं भाई, जिसके नेता को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए तो जाहिर सी बात उसे तकलीफ होगी, वही थोड़ी तकलीफ आपको है। पार्टी में दम है जो आदरणीय नेताओं प्रकाश राजभर को बर्खास्त कर दो, मलाई लेके खीर लेके ओम प्रकाश राजभर के पीछे भागने वाली ओम भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता बात कर रहे हो, ओम प्रकाश राजभर की बताया ना कि ओम प्रकाश राजभर जी की पीड़ा हम समझते हैं, क्योंकि आप उनके प्रवक्ता हैं भाई, उनको जिनको बर्खास्त कर दे, उनके बेटे को पद से हटा दे, जाहिर सी बात है पीड़ा होगी, वही बौखलाहट है आपकी। हाँ मुझे पता है चाटुकारिता में आप कितने आगे निकल जाएंगे बीजेपी में। नहीं, ये तो आपकी बातों मुझे लग रहा है कि जिस दल के साथ आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके घोटालों को आप बता रहे हैं कि पिछली सरकार घोटाला हुआ था, योगी जी ने उसको ठीक किया, ये तो आपने बताया है। हाँ मुझे पता है नदियों में लहातों का अंबार कोरोना काल में लग जाता है, वो अब भारतीय जनता पार्टी के लोग अंधे हैं, वो दिखाई नहीं देते, रोडों में लेने के बगैर डॉक्टर के बगैर और क्या नाम है हॉस्पिटल में मर जाते हैं, वो दवाई नहीं दे पाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की अंधभक्ति है, आपको दिखाई नहीं देती है।
उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित के साथ योगी सरकार ने किस तरह भेदभाव किया वो आपको दिखाई नहीं देता। अकेले पिछड़े नहीं, मैं भी पिछड़ा हूँ, मैं भी जाता हूँ पिछड़ों की बात। आप तो खाली एक प्रवक्ता बन के घूम रहे हैं। आपके नेता को सरकार ने बर्खास्त किया तो आपको पीड़ा है। मैं भी पिछड़े समाज से हूँ, मैं जानता हूँ कितना अधिकार मिला पिछड़ों को। इस देश के प्रधानमंत्री पिछड़े समाज के हैं, इससे बड़ा कोई पिछड़े समाज का नेता नहीं है। अरे जावेद भाई, आप तो मानेंगे नहीं, आपको तो खाली अकेले पिछड़े दिखते हैं, वही किसान नेता दिखते हैं जिनको किसानों के बारे में कोई जानकारी नहीं। क्योंकि आप लोग अखिलेश जी को किसान नेता बताएंगे, रॉबर्ट वाड्रा किसान नेता बताएंगे, राहुल जी किसान नेता बताएंगे, एक भी छात्र जीवन का। इसलिए जो किसान है, देखिए देखिए, त्यागी जी कह रहे जातवाद छोड़ के विकास पे भी बात कर लीजिए आप लोग। त्यागी जी विकास की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने किसी के बात में बोलता नहीं हूँ। नहीं, गलत मत बोलिए भाई, आपने सही बात रखी, हमने उसी रिपोर्ट किया भाई। आपने कहा जो पिछली सरकार में 137,000 शिक्षक घोटाला हुआ था, योगी जी ने ठीक किया, तो उसको मैंने बताया है। मैंने आपकी बात का प्रत्याहार नहीं किया है। ये घोटाला हुआ था तो आपने फिर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, अगर घोटाला नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट क्यों खारिज किया? ये आपने मंच में स्वीकार किया कि पिछली सरकार घोटाला था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, योगी जी ने ठीक किया। तोते की तरह रटके मत आइए, पिछड़ों के नौकरियों का सवाल है रामविलास नहीं, दयाराम जी, उत्तर प्रदेश का ओबीसी खाली पिछड़ा नहीं, सबके समाज की, दलित भी है, पिछड़े भी, अगड़े भी है। भारतीय जनता पार्टी सबके हितों की बात करती है। आप तो ओम प्रकाश जी उनके बेटे चिंता करते हैं, योगी जी प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लोगों की चिंता करते हैं। बेटों चक्कर में पड़िए, ठीक है ओम प्रकाश जी के वो बेटे हैं, बेटे की चिंता होनी चाहिए, लेकिन बेटे के लिए पिछड़े समाज के लोगों का हक नहीं मानना चाहिए जिस तरह स्वामी जी ने किया है। ठीक है, प्लीज, हो गया, ठीक है दयाराम जी, ठीक है दयाराम जी, हो गया। जावेद भाई अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे बात कहने नहीं दिया गया। अरे आप इतनी देर से कहीं तो रहे भाई। अरे कैसे कह रहे, मैं किसी के बीच में बोल नहीं रहा हूँ। अरे तो वो जवाब आप सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी अभी हमारे। अरे आपके साथ ही बोलना चाहते हैं, जावेद भाई बोलना चाहते हैं सपा से, भाई सुन लीजिए उनको भी। हाँ जावेद भाई। नितिन जी, जिस दिन सदन के अंदर 200 से ज्यादा भाजपा के विधायक धरने पे चले गए थे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी दिन अल्पमत में आ गई थी। संवैधानिक संकट अपने आप में था और वो संकट अब बाहर निकल के आया है। ये चुनाव का समय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कोरोना काल के पहले ही बनने के बाद जो है अपना भरोसा और विश्वास खो चुकी थी, क्योंकि देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी के झूठ को समझने लगी थी। और जब योगी जी की सरकार आई तो वो जो है बढ़ता गया और इतना बढ़ता गया। आप बताइए, देश का आधा कुपोषण उत्तर प्रदेश में है, बहन बेटियों के साथ सबसे ज्यादा दुराचार दुष्कर्म उत्तर प्रदेश में है, हत्या अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है, नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सबसे ज्यादा गरीबी बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में है। तो ये बीजेपी वाले सपा को गुंडों की पार्टी क्यों बोलते हैं भाई? सरकार है ये जो सारा प्रपंच। नहीं, मैं ये कह रहा था जावेद भाई, ये बीजेपी वाले जनता पार्टी, जावेद भाई, जिला पंचायत के चुनाव में, जावेद भाई ये कह रहा था, ये बीजेपी वाले सपा को फिर गुंडों की पार्टी क्यों बोलते हैं जब सब कुछ यहीं पर हो रहा है? तो विधायक भारतीय जनता पार्टी के संगीन आरोपों के अपराधी है, रिपोर्ट है, इसमें हमसे क्या कहना। चुनाव आयोग में सबने अपना शपथ पत्र दे रखा है और तो और हमारे मुख्यमंत्री। अरे कितनी हंसी आती है कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में, हमारे देश की सनातन परंपरा में, संत तो हमेशा राजाओं को परामर्श देता था और ये एक गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ में आया जीव, एक प्राणी, वह सत्ता के भोग के लिए आ गया। वो परामर्श देने के बजाय जब लोकसभा में रो रहे थे अपने जीवन की रक्षा के लिए, तो वो सब मुख्यमंत्री बनते छोकों की नींद पर आ गए। किस तरीके से बेगुनाहों को 16 साल के बच्चे से लेके इंद्रकांत शुक्ला जैसे सम्मानित और वयोवृद्ध व्यापारी तक की हत्या इनके कार्यकाल में हो गई, महेश द्विवेदी जैसे जांबाज पुलिस अधिकारी के इनके कार्यकाल में हत्या हो गई। ये लोग बताएंगे हमको
या आपको या पूरे देश को, उत्तर प्रदेश को, कि अपराधी कहाँ खड़े? मुख्यमंत्री जी के ऊपर कितने संगीन आरोप थे, दंगा, बलवा, हत्या का प्रयास, लूट, ये सारे मुकदमे थे और स्वयं हटा लिए। और भारतीय जनता पार्टी के लंबुआ के विधायक एक सूची जारी कर रहे थे, सदन के अंदर लहराया था, वो इन लोगों को याद नहीं आती है कि वो कौन लोग है। टेनी के घर में नहीं चला बुलडोजर, जेसीबी नहीं गया, ये वही टेनी है जिनके लिए देश के प्रधानमंत्री, जिनका पूरे देश ने सम्मान किया, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को 2002 में पत्र लिखा था इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई का। और उसके बाद कहा जाए, ठीक है, ठीक है नितिन भाई, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे दूसरे चैनल पे भी जाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। अभिमन्यु त्यागी, अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कह रहे थे आप? देखिए, जो पहले अभिमन्यु त्यागी की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ, देखिए ये जो चुनाव पहला फेज का होने जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी चुनौती भाजपा और सपा को मिलने जा रही है। जहां जिस तरह से किसान आंदोलन में इस दुनिया की सबसे तानाशाही सरकार को घुटने पे लाने का काम किया किसानों ने, और साथ में कई गांवों के बाहर बैनर तक लगे थे जहां भाजपा के नेताओं को आने तक से रोका जाने का आदेश था। इसके अलावा गन्ना किसानों को जो लगातार आंदोलन चलते रहे हैं, गन्ने का बकाया पिछले 2-3 सालों का नहीं मिला, मैं खुद गन्ना किसान हूं, मेरा नहीं मिला था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जिस तरह मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, लगातार अपनी सरकार में जो बकाया था शुगर मिल का वो ये माफ करते रहे थे, और गुंडागर्दी थी पूरे चरम पर, दंगे हुए, और इसी कारणवश इन्हें वहां जाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को लगभग 40 के करीब सीटें देनी पड़ रही हैं, और महज 2% की वोट शेयर वाली राष्ट्रीय लोकदल को डिप्टी सीएम तक का पद ये देने को तैयार है। तो अच्छा। चुनौती इनके लिए बहुत ज्यादा हो गई है इन दोनों दलों के लिए। आपके लिए कितनी चुनौती है? इन सब चीजों पे हमारे लिए चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी ऐसी लड़कियों के मुद्दे पर ही लड़ते रहेगी क्या? जो सचमुच में जिनके साथ अन्याय हुआ वो उठ खड़ी हुई, अब तो ये समाज तय करेगा कि वो कमजोर की तरफ है या उन लोगों की तरफ है जो लोग हिंसा करते हैं। ठीक है, ठीक 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 ठीक, मैं आ रहा हूँ। राम निवास जी, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हम शिखर के पास आएंगे। नहीं, अभी जावेद जी कह रहे थे, जावेद जी हालांकि है नहीं, आप दयाराम भार्गव जी से कह सकते हैं उनकी बात, क्योंकि साथी हैं दोनों। नहीं, दयाराम भार्गव जी तो बेचारे जो है आदरणीय ओम प्रकाश जी के बेटे के चक्कर में परेशान है, जैसे स्वामी फद मौर्य जी अपने बेटे दामाद चक्कर में नहीं, नहीं, हम तो इसलिए बोलने तो परेशान है। दयाराम जी परेशान मत होइए, आप जिस पार्टी में गए हैं इतना तो वो लोग सम्मान आपका करेंगे ही, बेटे को भी टिकट देंगे, दामाद को भी देंगे, चाहे वो भले अपने कार्यकर्ताओं का अहित करें उनको टिकट न दे पाए, लेकिन आपके नेता के बेटे और दामाद दोनों को टिकट देंगे। यही हाल स्वामी जी के साथ करेंगे, बेटे को भी देंगे और जो है उनके दामाद को भी देंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपका नेता पर इतना ही विश्वास है, आपकी सरकार पर इतना ही जनता का विश्वास था कि जो नेता गए हैं अपने परिवार की बहन बेटियों को नहीं ले गए, खाली स्वयं गए हैं अपने बेटों को लेके, क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर बहन बेटी सुरक्षित है तो योगी जी के राज में सुरक्षित है और भारतीय जनता पार्टी के साथ सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि दोनों लोगों को टिकट मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में माँ बहन बेटी अगर सुरक्षित है तो योगी जी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के साथ सुरक्षित है। सबसे ज्यादा अत्याचार एनसीआरपी का, कांग्रेस क्यों कर रही है? बात तो आदरणीय स्वामी जी से पूछिए कि अपने बेटे को ले गए, दामाद को ले गए, बेटी को क्यों नहीं ले गए? क्योंकि उनको पता है कि जिस पार्टी में हम गए हैं वो गुंडे और बदमाशों की पार्टी है, वहाँ बेटी और बहनें सुरक्षित नहीं रहती हैं, इसीलिए वो नहीं ले गए। अच्छा, कांग्रेस तो सुरक्षित रखेगी ना, वो कह रही है कि हम टिकट भी दे देंगे। नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं, पूरे देश में जीरो है, उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा, खुद ही नकारे, ये जरूरी है। ठीक है, शिखर अग्रवाल क्या कह रहे हैं? निषाद पार्टी और निषाद समुदाय उत्तर प्रदेश का मछुआरा समुदाय, आशा की निगाह से माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन के साथ है। माननीय साहब ने भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी ने गठबंधन किया है, आप मेरी बात को लिख लीजिए, ये गठबंधन 350 से ज्यादा सीटें जीत रहा है। और कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे भाई कह रहे थे कि इनका कोई कंपटीशन नहीं है, इन्हें कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि ना वोट ही नहीं मिल रहा तो इनकी लड़ाई क्या, कंपटीशन क्या? नहीं, वो कह रहे थे कि हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं,
हम तो लड़कियों के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, क्योंकि जब इन्हें वोट ही नहीं मिल रहा है, प्रत्याशी कमजोर महिलाओं के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, जो कुछ करी हुई तो उसकी रहती है, जिसके पास सत्ता से लड़ रही है, जिनमें इन लोगों ने मलाई खाई है, जिसके पास बताने मलाई खाने वाले लोग शोषण करने वालों की तरफ। प्रियंका गांधी गई तो थी मछुआरों के बीच में, ठीक है समय कम है, प्लीज समय कम है, दयाराम भार्गव के पास चलेंगे हम। ठीक है प्लीज दयाराम जी एक चीज ले लीजिए, मेरी ले लीजिए। अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस से हैं, तो वो अभी ये बात कह रहे थे कि आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत पश्चिम में होने वाली है, और इसी वजह से आरएलडी जिसका वजूद नहीं है उसको भी आप लोग 30-40 सीट दे रहे हैं, वहां लड़ाई टफ है। कांग्रेस के अभिमन्यु त्यागी बोल रही है, देखिए उत्तर मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं नहीं है, देखो कहने की बात नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा शिखर अग्रवाल का, भगदड़ करने वाले लोगों को तो नहीं दे रहे टिकट, कांग्रेस अपने कैडर कार्यकर्ता को टिकट दे रही है, किसान को, मजदूर के बच्चे को टिकट दे रही है, बोल लेने दीजिए भाई, महिलाओं को टिकट दे रही है जो उठ खड़े होकर सरकार को चुनौती। ठीक है त्यागी जी, हो गया, आप जीतेंगे। हमारे शिखर अग्रवाल जी कह रहे हैं कि निषाद पार्टी जो आई है वो 350 देके जाएगी उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना, राम की नगरी में, राम की माया में उत्तर प्रदेश के जो सरकार चल रही है ना राम नाम के ऊपर, इसीलिए इतना भ्रष्टाचार है, इसीलिए पिछड़े दलितों का यह हाल है। दूसरी बात, जब राम का नैया पार कराने वाला केवट मल्ला निषाद राज, आज तक उसे कहीं भी उसको आवास नहीं मिला, जो हम हनुमान जी को बानर कहते हैं, जिन भालू बंदरों ने श्रीलंका में जाके श्री राम के लिए लड़ाई करने का काम किया, रावण को हरवाने का काम किया, आज तक हमारे देश में एक भी बानर को आवास नहीं मिला। ये भालू बानर कौन है? ये यही पिछड़े दलित है। पिछड़े दलित को जब से लेके अब तक देख लीजिए, आज तक इनको आवास नहीं मिला, नौकरियां नहीं मिली। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सामाजिक न्याय समिति की अगर रिपोर्ट लागू हो जाती जो 3 कैटेगराइज है उसमें सबको आरक्षण मिलता, सभी के बेटी बेटा जाते। उसमें आप देखिए, नाई है, गोड़ है, लोहार है, पासवान है, पाल है, दुसाध है, खटीक है, धोबी है, अर्कवंशी है। ठीक है, जल्दी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए दयाराम जी, माजी है, गोड़िया है, समय कम है भाई, बात पूरी कीजिए अपनी। प्रजापति है, दुनिया है, बंदारा है, खरगवार है, अर्कवंशी है। अरे ठीक है मुद्दे पे आइए। यादव कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, लोधी कितने हैं, उनके भी नाम बताइए ना। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इन जातियों को हमेशा गर्त में डालने का काम कर रही है, पिछड़े दलित को हमेशा। ठीक है 2022 का जो चुनाव है, आने वाला जो 10 मार्च है, आपको देखिए उत्तर प्रदेश में दौरान खाने पर किस तरह से स्वजाति की पोस्टिंग होती थी, ये भी बता दीजिए। ठीक है आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर जुड़कर अपनी चर्चा और अपने विचार रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और चुनाव के दौरान जो दल बदलने की प्रक्रिया है वो काफी जोरों पर है, और ऐसे में बीजेपी के कई सारे जो सीनियर लीडर रहे हैं, जिन्होंने 5 साल सत्ता में काम किया है, विभाग संभाले हैं, वो भी बीजेपी से नाराज होकर के कई सारे आरोप लगा करके बीजेपी से अलग हो गए। लेकिन ऐसे में ताकत और हिम्मत किसकी ज्यादा बढ़ रही है? लोग कह रहे हैं, रिपोर्ट कह रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर ये नेता जुड़ रहे हैं तो उनका जो वोट बैंक है वो भी उनके पास आएगा, लेकिन इसका असर क्या होगा ये 10 मार्च को ही पता चलेगा। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, मुझे जन्मदिन दी, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।